दुनिया में हिट होने के लिए आपको लक और मेहनत दोनों की ही जरूरत होती है, फिर चाहे आप किसी फिल्मी परिवार से ही ताल्लुक क्यों ना रखते हों। लेकिन इनमें से आपके पास कुछ भी कम हुआ तो यहाँ सफर तय कर पाना मुश्किल है। न जाने कितने अभिनेता अभिनेत्री उदाहरण हैं जो अच्छे बैकग्राउंड के बाद भी पर्दे पर नहीं चमक पाए। इन्हीं में से एक नाम है बॉबी देओल। बॉबी 51 साल के हो गए हैं। बॉलीवुड में ही मैन अभिनेता धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के छोटे बेटे बॉबी देओल का जन्म 27 जनवरी 1969 को मुंबई में हुआ था। बॉबी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1995 में फिल्म बरसात से की थी। पहली ही फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद बॉबी गुप्त, सोल्जर, बादल, बिच्छू, अजनबी और हमराज जैसी फिल्मों में नजर आए। ये बॉबी के करियर का गोल्डन पीरियड था। कुछ फ्लॉप फिल्में देने के बाद बॉबी देओल का करियर रुक सा गया। वो फिल्मों से गायब होते गए और अचानक पर्दे पर उनकी मौजूदगी शून्य हो गई। देखते ही देखते उनका फिल्मी करियर अर्श से फर्श पर जा गिरा। बॉबी को काम मिलना ही बंद हो गया और वो नशे की गिरफ्त में आ गए। एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने खुद कबूल किया था कि वो कई सालों तक काम मांगते रहे, लेकिन उन्हें हर बार टाल दिया गया। एक वेबसाइट से बात करते हुए बॉबी ने इस बात को स्वीकार किया था कि उन्हें शराब की लत लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी पत्नी ने उन्हें घर से भी निकाल दिया था। बातचीत में सनी देओल ने बॉबी को पिछले 10 साल से काम नहीं मिलने पर कहा था कि हम सब साथ हैं और हमारा परिवार काफी मजबूत है, लेकिन एक दूसरे को दर्द होता है तो फील होता ही है। सनी बॉबी पर बात करते हुए भावुक हो गए थे, उनका गला भर आया था। फिर 2018 में सलमान खान ने बॉबी देओल का साथ दिया और उन्हें अपनी फिल्म रेस 3 में लिया। बॉबी के ट्रांसफॉर्मेशन ने सबको चौंका दिया। बीते साल बॉबी अक्षय कुमार और रितेश देशमुख के साथ फिल्म हाउसफुल 4 में भी नजर आए थे। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।